लेकर के आ गया हूँ आपके लिए एक और जबरदस्त वीडियो, जहाँ पर आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ इसी वन प्लस नॉर्ड 3 5G के बारे में करने वाला हूँ। इसको अनबॉक्स जानेंगे क्या कुछ मिलता है इसमें बॉक्स कंटेंट और कैसा ये फ़ोन, और खासकर मैं आपको बताऊंगा इसको मैंने परचेज़ किया है अमेज़ॉन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल से, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट्स मिला इस फ़ोन पे, साथ में मुझे इसके साथ कुछ और भी देखने को मिला है यहाँ पर वन प्लस की तरफ से। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करते हुए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात करें यहाँ पर बॉक्स की, तो सबसे पहले ऊपर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा नॉर्ड नॉर्ड नॉर्ड, और साइड में बात करें तो देखने को मिल जाएगा वन प्लस नॉर्ड 3 5G। वहीं अगर बात करें बैक साइड की, तो बैक साइड में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी इसकी प्राइसिंग। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मुझे एक्चुअल प्राइसिंग इसकी कितनी पड़ी है, और जो मेरा यहाँ पर वेरियंट है वो 8 एंड 128 GB है। तो चलिए करते हैं इसको ओपन। इसके बॉक्स को हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमें सबसे पहले देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा सबसे पहले कुछ केस देखने को मिल जाएंगे, वहीं साथ में आपको मिल जाएगी नोट्स के कुछ डॉक्यूमेंटेशन, क्विक गाइड्स और बाकी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एक सिम इजेक्टेड टूल, और साथ में आपको देखने को मिलेगा एक रेड केबल क्लब कार्ड। बाकी चलिए अभी सबको रखते हैं साइड में। तो बात करें अगर यहाँ पर केस की, तो काफ़ी यहाँ पर आपको सिलिकॉन का केस देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छी क्वालिटी का कह सकते हैं वन प्लस की तरफ से है। तो चलिए अब इन सबको रखते हैं सबसे पहले यहाँ पर साइड में। बात करें यहाँ पर और चीज़ों की, तो यहाँ पर हमको देखने को मिल जाता है फ़ोन, और बाकी चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर हमको देखने को मिल जाएगा एक चार्जर, जो कि आता है 80 वॉट का सुपर वूक चार्जर वन प्लस की तरफ से। ये बहुत अच्छी बात है वन प्लस की तरफ से कि यहाँ पर इनबॉक्स आपको चार्जर देखने को मिलता है, आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में इनका एक चार्जिंग केबल एज यूजुअल इनके रेड कलर में, जो कि आता है यहाँ पर USB टाइप ए टू टाइप सी केबल के साथ। अब बात करें फ़ोन की, तो यहाँ पर गाइज ये आता है एक बॉक्सी डिज़ाइन के साथ, आप यहाँ पर देख सकते हो एक बॉक्सी डिज़ाइन आपको देखने को मिल सकता है। बट इसके जो बैक में एजेस हैं वो थोड़ी यहाँ पर आपको कर्व देखने को मिलेंगे, तो जो ग्रिपिंग है इनकी वो बहुत कमाल की होने वाली है। साथ में अगर बात करें तो गाइस फ़ोन बहुत स्लीपली है, पता नहीं किस टाइप का वन प्लस ने यहाँ पर मटेरियल यूज़ किया है, पर जो बैक में मिलता है वो आपको ग्लास देखने को मिलता है। इसमें आपको मिल जाती है गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन देखने को मिल जाती है। वहीं बात करें अगर फ़ोन की कुछ और डिटेल्स को लेकर, तो राइट साइड में आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर पावर अनलॉक लॉक बटन, साथ में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है वन प्लस का अलर्ट स्लाइडर, जो कि यहाँ पर वन प्लस की आन बान शान है। वहीं बात करें अगर लेफ्ट साइड की, तो लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिल जाता है वॉल्यूम रॉकर। वहीं बैक नीचे साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सिम ट्रे, माइक्रोफोन, चार्जिंग पोर्ट एंड स्पीकर ग्रिल। वहीं बात करें अगर यहाँ पर इसके USB सिम ट्रे की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है आप यहाँ पर गाइस 2 सिम यूज़ कर सकते हो, आपको यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड या SD कार्ड लगाने का ऑप्शन नहीं मिलता है। और वहीं बात करें अगर इसके ऊपर साइड की, तो यहाँ पर आपको एक IR ब्लास्टर देखने को मिलता है, एक बहुत अच्छी बात है। आप इसकी फ़ोन की मदद से अपने AC TV वगैरह को कंट्रोल कर सकते हो। साथ में यहाँ पर आपको सेकेंडरी नॉइज़ कैंसिलेशन माइक मिल जाता है और एक स्पीकर ग्रिल, तो ये ड्यूअल स्पीकर के साथ आता है। बात करें इसके बैक साइड की, तो बैक साइड में यहाँ पर आपको ड्यूअल कैमरा देखने को मिल जाता है, 2 अलग अलग फ्रेम में आपको देखने को मिलेगा। साथ में आपको 2 LED फ्लैश मिलेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि एक ही LED फ्लैश है, और यहाँ पर एक आपको दिया है टेम्परेचर सेंसर, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए कि किस टाइप की आपको टेम्परेचर के हिसाब से फोटोज़ यहाँ पर देनी है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके डिस्प्ले को लेकर। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको यहाँ पर डिस्प्ले देखने को मिलती है एक 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस वाली डिस्प्ले, जो कि गाइज ये डिस्प्ले है 1.5K रिजोल्यूशन के साथ आता है। इसमें साथ में आपको देखने को मिलेगी 450 निट्स की ब्राइटनेस। जहाँ पर डिस्प्ले की बात करें, तो इसमें आपको 120Hz रिफ्रेश रेट का यहाँ पर सपोर्ट दिया गया है वन प्लस की तरफ से, ये एक बहुत अच्छी बात है। साथ में यहाँ पर गाइज अगर बात करें, तो जो डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी वो बिल्कुल एज टू एज मिलेगी, जो यहाँ पर आपको बेजल्स हैं वो बहुत कम देखने को मिलने वाले हैं। ये एक एमोलेड डिस्प्ले है, साथ में यहाँ पर आपको सेंटर में एक देखने को मिल सकता है एक पंच होल डिज़ाइन वाला कैमरा, जो कि बहुत छोटा सा है। तो जो डिस्प्ले वाइज ये फ़ोन है गाइस बहुत कमाल का होने वाला है, चाहे वीडियो एक्सपीरियंसिंग करते हो यहाँ पर या कुछ भी कॉन्टेंट देखते हो। साथ में आपको यहाँ पर वाइड 1L1 का सपोर्ट दिया गया है, तो आप नेटफ्लिक्स वगैरह काफ़ी आराम से यहाँ पर HD में देख सकते हो, फुल HD में। ये बात करें इसकी प्रोडक्शन को, तो यहाँ पर फ्रंट में आपको देखने को मिल जाता है ड्रैगन टेल की प्रोडक्शन, जो कि यहाँ पर वन प्लस की तरफ से एक डाउनग्रेड है।
अगर बैक की तरह यहाँ पर फ्रंट में भी गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन दिया गया होता तो ये बहुत कमाल की बात होती। लेकिन अगर गाइज बात करें डिस्प्ले वाइज तो ये फ़ोन बहुत कमाल का एक्सपीरियंस आपको देने वाला, चाहे आप वीडियोज़ कंटेंट देखते हो, चाहे आप यहाँ पर कुछ भी देखते हो किसी डीआर कंटेंट वगैरह, तो आपको बहुत कमाल का एक्सपीरियंस मिलने वाला है। कलर्स वगैरह जो हैं वो बहुत कमाल के निकल के आते हैं। थोड़े बहुत आपको कलर ज़्यादा सैचुरेटेड लग सकते हैं, अगर आप यहाँ पर आपको ज़्यादा कलर बूस्टेड नहीं अच्छे लगते तो थोड़ा सा आपको लग सकता है, लेकिन बाकी फ़ोन डिस्प्ले वाइज मतलब लाजवाब होने वाला है ये। तो यहाँ पर गए इसके बैक साइड की, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन देखने को मिल जाता है। बात करें पर अगर कैमरास को लेकर तो आपको दो कटआउट्स देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। जो प्राइमरी कैमरा होने वाला गाइस वो होने वाला 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX890 वाला यहाँ पर आपको सेंसर दिया गया। वन प्लस की तरफ से यही सेंसर गाइस वन प्लस 11R में भी यूज़ किया गया है, वन प्लस 11 में भी यूज़ किया गया, तो ये बहुत अच्छी बात है। वन प्लस ने यहाँ पर इसके लिए कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं। साथ में आपको 8 मेगापिक्सल का यहाँ पर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल जाएगा और 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो कैमरा देखने को मिल जाएगा। साथ में एक LED फ्लैश देखने को मिलेगी, एक यहाँ पर टेम्परेचर सेंसर को देखने के लिए दिया गया है कंट्रोल करने के लिए। तो गाइज यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ फोटोज़ वीडियो शेयर कर रहा हूँ जो मैंने क्लिक किए हैं यहाँ पर इसी फ़ोन से। नाइट मोड में कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की गई हैं, कुछ यहाँ पर गाइज देखने को मिल सकते हैं जो हमने दिन में कुछ फ़ोटोज़ खींचे हैं। तो अगर कलर वाइज देखोगे तो आपको बहुत अच्छे फ़ोटोज़ देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी बात है वन प्लस की तरफ से कि एक यहाँ पर फ्लैक्सिप सेंसर यूज़ किया गया, जिसकी वजह से फ़ोटोज़ वगैरह जो काफ़ी अच्छी निकल के आती हैं। थोड़ी बहुत गाइज यहाँ पर आपको क्या कहते हैं एज डिटेक्शन में थोड़ी बहुत दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं थोड़ी बहुत, पर वन प्लस यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि वन प्लस इसको बहुत जल्द सॉफ्टवेयर के साथ अपडेट कर देने वाला है, अपग्रेड कर देगा कैमरा को, तो जो कैमरा होने वाला है वो बहुत कमाल का हो जाएगा। क्योंकि जो यहाँ पर आपको कैमरा देखने को सेंसर मिल रहा है वो आपको फ्लैक्सी फ़ोन में भी दिख रहा है, सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको अपग्रेड किया गया है। तो यहाँ पर उम्मीद है वन प्लस इसमें भी काफ़ी कुछ अपग्रेड के साथ इसको अपग्रेड कर देगा कैमरास की यहाँ पर बात किया जाए तो। गाइस बात करें यहाँ पर इसके प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा MediaTek Dimensity 9000 वाला प्रोसेसर जो कि 4 नैनोमीटर पर बेस्ड है। तो प्रोसेसर गाइस यहाँ पर आपको बहुत कमाल का एक्सपीरियंस देने वाला है, कहीं भी आपको कोई भी लैग देखने को नहीं मिलेगा, चाहे आप गेमिंग करते हो, चाहे आप यहाँ पर वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हो, कैजुअल गेमिंग हो करते हो आप, तो ये आपके लिए फ़ोन बहुत कमाल का होने वाला है। और अगर आप हार्डकोर गेमर हो तो फिर ये आपके लिए यहाँ पर ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ पर गाइस 1 से 2 घंटे तक गेमिंग करने के बाद फ़ोन में थोड़े बहुत हीटिंग इशू आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत पूरी तरीके से वन प्लस ने इसको ऑप्टिमाइज़ नहीं किया इस प्रोसेसर को अपने सॉफ्टवेयर के साथ। और अगर आप यहाँ पर डे टू डे टास्क में फ़ोन वगैरह करते हो, फोटोज़ वगैरह थोड़े बहुत क्लिक करते हो, वीडियोज़ वगैरह बनाते हो, तो यहाँ पर आप बहुत कमाल का एक्सपीरियंस मिलेगा, कोई भी लैग आपको इस फ़ोन में देखने को नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो प्रोसेसर है MediaTek Dimensity 9000 वो एक फ्लैक्सिप प्रोसेसर है गाइस। और बाकी बात करें यहाँ पर इसकी कुछ और डिटेल्स को लेकर, तो ये 8 and 128 GB वाला मेरा वेरिएंट है जिसमें आपको LPDDR5X की रैम देखने को मिलती है, UFS 3.1 का सपोर्ट दिया गया है। तो गाइज रैम वगैरह काफ़ी फास्ट है, आपको लैगिंग वगैरह की इशू इस फ़ोन में कोई नहीं आने वाली। बात करें अगर इसके कुछ सॉफ्टवेयर की, तो थोड़े बहुत गाइज यहाँ पर आपको ब्लॉटवेयर देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि कह नहीं सकते रेगुलर आप इसको यूज़ भी करते हो, जैसे इनका नेटफ्लिक्स हो गया, कुछ इनके यहाँ पर वेब ब्राउजर्स हो जाते हैं, बाकी आपको एक्स्ट्रा कुछ भी इसमें बग्स वगैरह नहीं देखने को मिलेगा। बात करें अगर वन प्लस के अलावा ओप्पो की या बात करें रियलमी की, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे बग्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारे एड्स देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर वन प्लस ने इसको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया और यही एक अच्छी बात है यहाँ पर वन प्लस के ऑक्सीजन OS की। अगर बात करें इसके सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ पर जो डिवाइस है वो रन होता है ऑक्सीजन OS 13.1 पर। स्टोरेज आप देख सकते हो 128 GB का वेरिएंट है, 23 GB यूज्ड है, वन प्लस नॉट 3 5G Dimensity 9000 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। वहीं बात तो बाकी यहाँ पर गाइज आपको कुछ रैम वर्चुअल रैम का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आप इसको बहुत आसानी से यहाँ पर गाइज इसको अपग्रेड भी कर सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो आपको रैम मैनेजमेंट का ऑप्शन मिल जाता है 8/6। ये तो गाइज ये सब फालतू की चीज़ें होती हैं, कुछ न तो नया यहाँ पर ब्रांड को करना ही होता है। इसके बैटरी लाइफ की, तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। ये गाइज यहाँ पर आपको वन प्लस 11R में भी सेम 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, और इसमें भी आपको एक 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। वहीं यहाँ पर आपको 80W का चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है, तो आप फ़ोन को बहुत तेज़ी से 30 टू 34 मिनट में आप इसको आसानी से कम्प्लीटली फुल्ली 0 to 100% चार्ज कर सकते हो। तो यहाँ पर वन प्लस की तरफ से ये एक बहुत बड़ा अपग्रेड है।
अगर इसकी प्राइसिंग को लेकर, तो यहाँ पर इसकी जो प्राइसिंग गाइस मुझे पड़ी है वो मैंने यहाँ पर इसको यूजुअली प्राइसिंग आप देखते हो 34,000 के आसपास होती है, पर यहाँ पर इसको मैंने परचेस किया ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के अमेजोन से, तो यहाँ पर इसमें आपको बहुत सारे डिस्काउंट देखने को मिले थे। 2,000 रुपीज़ का अमेजोन की तरफ से कूपन दिया गया था, साथ में यहाँ पर आपको SBI क्रेडिट कार्ड पर 3,200 रुपीज़ के आसपास का डिस्काउंट था, और यहाँ पर आपको साथ में देखने को मिल जाता है ये वन प्लस की तरफ से आने वाला वन प्लस बर्ड्स 2R, ये भी गाइस यहाँ पर मुझे इसके साथ फ्री मिला हुआ है। तो जो इसकी फाइनल कॉस्टिंग निकल कर आती है वो 28,000-29,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगी, और अंडर 30,000 रुपीज़ ये फ़ोन बहुत कमाल का है गाइस, एक्सपीरियंस आपको बहुत कमाल का देने वाला है, चाहे वो डिस्प्ले वाइज हो, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो प्रोसेसर हो, आपको कहीं भी इस फ़ोन में कोई भी दिक्कत नहीं आने की। ये थी यहाँ पर वन प्लस नॉट 3 के बारे में कुछ डिटेल्स, जहाँ पर आप मुझे बताइए कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा, और आपने यहाँ पर इस जो फेस्टिवल में डील्स चल रही थी फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पे, आपने यहाँ पर क्या परचेस किया मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों बस फिलहाल इस वीडियो में इतना, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही कमाल की वीडियो से, तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।